ट्राई सिटी का खबरनामा लेकर एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आर्थिक टीवी पर। इस खास कार्यक्रम में हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ खबरें जो कि चंडीगढ़ की होती हैं, चंडीगढ़ के आसपास के शहरों की होती हैं, इलाकों की होती हैं, ट्राई सिटी की होती हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हम आपको बताते हैं जो भले ही राष्ट्रीय स्तर की खबरें हों लेकिन उनका सरोकार हमसे रहता है। तो ऐसी ही एक खबर के साथ आज भी हम शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मसला जो है वो अभी भी असमंजस की स्थिति के बीच में बना हुआ है, स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने पहले कहा था कि 15 दिसंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी, सामान्य फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब एक बार फिर से DGCA ने इस अपने फैसले को इसकी पुनर्समीक्षा करने का फैसला किया है और अभी ये तय नहीं है कि 15 दिसंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होगी या नहीं होगी। और उसका कारण भी साफ है कि जिस तरह से इस समय ग्लोबल सिचुएशन है कोविड की, खासतौर पे जो नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से लगातार स्थिति जो है वो बदल रही है। रोजाना कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट इसमें हो रही है और इन स्थितियों के बीच में एक बार फिर से DGCA को और भारत सरकार को ये सोचना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू किया जाए या न किया जाए। तो फिलहाल अब फैसला ये है कि 15 दिसंबर को जो कि डेट तय की गई थी उस दिन अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं होगी और जल्दी ही इसके बारे में दोबारा से सारी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद DGCA कोई फैसला लेगी। DGCA का कहना है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने के बाद, उनकी इनपुट्स लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद 15 तारीख के बाद वो बाहर जा सकेंगे या उनके रिश्तेदार बाहर से आ सकेंगे, दूसरे देशों से आ सकेंगे, विदेशों से आ सकेंगे, उनके लिए थोड़ी सी ये मायूसी वाली खबर है। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि इन हालातों के बीच में बड़े फूंक फूंक कर कदम जो है बड़े सावधानी के साथ सरकार को रखने पड़ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी मुख्य राष्ट्रीय खबर। और उसके बाद चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में चंडीगढ़ के लिए अच्छी खबर है। खासतौर पर नवंबर का महीना अभी कल ही बीता है और पूरे नवंबर के महीने में चंडीगढ़ में एक भी कोरोना डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है। हालांकि मोहाली में और पंचकूला में डेथ्स की खबरें आई हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें तो चंडीगढ़ में अप्रैल और मई के बीच में कुल 375 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उसके बाद नवंबर में भी हालांकि 114 केस सामने आए लेकिन चंडीगढ़ में किसी की मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई। अक्टूबर में भी 121 केस आए थे और सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट की गई थी, यानी कि चंडीगढ़ में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन जो चिंताजनक खबर है वो पंचकूला से है और मोहाली से है। पंचकूला में पिछले महीने की तुलना में नवंबर में, अक्टूबर के तुलना में नवंबर में केसेस में 94% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में पंचकूला में अगर हम देखें तो उस वक्त सिर्फ 32 केस आए थे और इस बार ये केस जो है वो 62 हो गए हैं। इसी तरह मोहाली में भी अक्टूबर में 88 केस थे जो कि बढ़कर 122 हो गए हैं। मोहाली में भी इंक्रीज हुआ है और वहाँ पर मृत्यु भी जो है वो पिछले अक्टूबर के महीने में भी 3 हुई थी और नवंबर में भी 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई थी। तो कुल मिलाकर ट्राई सिटी में चंडीगढ़ जहाँ बेहतर रहा है, वहीं पंचकूला और मोहाली को अभी इस दिशा में और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि चंडीगढ़ में भी जो टेस्टिंग है वो एकदम से नीचे गई है, करीब 35% टेस्ट कम होना शुरू हो गए हैं और ये भी चिंता का विषय है और इसीलिए अब विशेष हिदायतें जारी की गई हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। खासतौर पर OPD में जितने भी मरीज आते हैं उन सबका RT-PCR टेस्ट हो तो उससे भी काफ़ी हद तक स्थिति का जो है सही आकलन हो सकेगा। और जिस तरह से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए स्ट्रेन आ रहे हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के नगर निगम चुनावों की। नगर निगम चुनावों में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, 3 दिन बाकी रह गए राजन चुनावों के नॉमिनेशन की अंतिम तिथि में। लेकिन
ना तो कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने अपनी अभी तक कोई सूची जारी की है। हालांकि आज हमारी दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से मुलाकात हुई और दोनों का ये कहना था कि ये लिस्ट जल्दी जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद का तो ये कहना था कि आज ही देर रात तक पहली सूची कम से कम जारी कर दी जाएगी, जिसमें ज्यादातर नाम होंगे और जो कुछ थोड़े बहुत नाम बच जाएंगे वो शायद कल तक जारी हो जाएंगे। ये दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। आज भी पार्टी कार्यालय में जो पार्टी प्रभारी हैं विनोद तावड़े और संजय टंडन और अरुण सूद और बाकी नेताओं के बीच में बैठक हुई। उसके बाद वहां पर जो टिकटार्थी थे, टिकट लेने के जो इच्छुक थे, उनका तांता भी लगा रहा। इसी तरह से कांग्रेस ने भी जो अपनी इलेक्शन कमेटी बनाई है, जिसमें पवन बंसल, सुभाष चावला और उनके सेंटर से प्रभारी हैं हरीश चौधरी के अलावा और लोग शामिल हैं, उनकी भी आज मीटिंग हुई है। लेकिन कांग्रेस ने आज किसी तरह का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बारे में नहीं कहा है। शायद कल कांग्रेस भी अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि उनकी पहली लिस्ट जारी हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक हिदायत जारी की है, उन्होंने ताकीद की है कि जो बड़े नेता हैं वो स्वयं चुनाव लड़ें, तो उसके बाद एक बार फिर से स्थिति गड़बड़ा गई है। अब देखना यह है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदीप छाबड़ा है, चाहे वो हरमोहन धमन है, चाहे वो प्रेम गर्ग है या चंद्रमुखी शर्मा है, क्या वो खुद मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि वो चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो एक बार फिर से उनकी जो लिस्ट है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, तो वहां पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल या उससे अगले दिन तक ये साफ हो सकेगा कि चंडीगढ़ में कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ने जा रहा है। और आखिर में पंजाब की भी आपको एक खबर बता दें। पंजाब में आपको पता है कि कांग्रेस में लगातार जो खींचतान का माहौल है वो बना रहता है और अब उसमें आलाकमान ने जो है वो हस्तक्षेप किया है। आज ही जो खबर आई है, आलाकमान ने तीनों बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दिल्ली तलब कर लिया है और माना जा रहा है कि इन तीनों से अलग अलग मुलाकातें होंगी और उसके बाद तीनों को एक साथ बैठा कर भी इनकी बातचीत करवाई जाएगी। और कारण स्पष्ट है कि ये तीनों नेता जो हैं वो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। सुनील जाखड़ जहां लगातार ट्वीट कर करके नवजोत सिद्धू और सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं, वहीं नवजोत सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उधर चन्नी ने भी पीछे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की एक बैठक बुलाई है जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट का काम है, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं गया। तो तीनों ने ही जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं उनसे बाहर जाकर एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाने की कोशिश की है। तो इस तरह की ये जो टसल कांग्रेस में चल रही है, ये ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, फिलहाल ये तीनों नेता अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आने के बाद भी हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो ये थी हमारी आज की कुछ खबरें जो हम आपके साथ टाइम सिटी का खबरनामा में साझा करना चाहते थे। इसी तरह के एक और बुलेटिन के साथ हम एक बार फिर से अगले दिन कल आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।